आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिर्फ एक मिनट के अंदर बनने वाली सब्जी की रेसिपी। जी हाँ, बिना मेहनत बिना झंझट सिर्फ एक मिनट के अंदर आप ये सब्जी बना सकते हैं। मतलब कि समझ लो आज आपको एक जादू की छड़ी मिलने वाली है। तो जब भी आपको लंच या डिनर तैयार करना हो तो बस ये छड़ी घुमा दो तो आपकी सब्जी तैयार हो जाएगी। भाई सुनने में तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लग रहा है और हमारी सब्जी भी बिल्कुल इतनी ही मज़ेदार है। तो चलिए बनाना चालू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को आप पसंद करते हैं, तो प्लीज़ नीचे जाके मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको जो भी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं उसे अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बनाते हैं अब हमारी एक मिनट के अंदर बनने वाली है सब्ज़ी की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पत्ता गोभी ली है, वज़न में ये करीब 200 ग्राम जितनी है। और जो ये सीज़न वाली गोभी होती है ना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, खाने में ये बहुत मीठी लगती है। तो मुझे मार्केट में अभी ये छोटी वाली देसी वाली गोभी मिली है और इसकी आप सब्ज़ी या सैलड बना के खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा पत्ते हैं वो निकाल देंगे। तो ये देखिए जितने भी ऊपर गंदे पत्ते थे वो मैंने सारे हटा दिए हैं। अब ना इसको हम अच्छे से धो लेंगे 2-3 पानी से और फिर हम इसको ड्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी गोभी ना तैयार है एकदम कटने के लिए, तो इसको हम काट लेते हैं। तो पहले तो हम इसका ये डंडल हटा देंगे और फिर इसको हम 2 टुकड़ों में काट लेंगे इस तरीके से। और ये देखिए अंदर से ये कितनी खूबसूरत है। तो ऐसी छोटी वाली गोभी का ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो जब भी आपको इस तरीके के छोटी देसी गोभी मिले ना, हमेशा आपको ले लेनी चाहिए। अब इस तरीके से हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे। आप इसको कैसे भी काट सकते हैं, नो टेंशन, बस आपको एकदम बारीक ग्रेट नहीं करना है, इसको थोड़े मोटे मोटे चंक्स में इसको काट लेना है इस तरीके से, ताकि जब आप इसे खाएं तो एक क्रंच आना चाहिए उसको खाने में। और जब भी आप मार्केट से पत्ता गोभी खरीदते हैं तो हमेशा पहले देखना चाहिए, अगर वो वज़न में ज़्यादा भारी है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा पकी हुई होती है, तो वो नहीं लेनी चाहिए। और जो वज़न में हल्की होगी वो कच्ची होगी, मतलब कि जो वज़न में हल्की होती है वो गोभी हमें खरीदनी चाहिए। और ये बात मुझे हमारे यहाँ पे सब्ज़ी वाले एक दादा हैं, उन्होंने सिखाई थी। तो मैं जब भी गोभी खरीदती हूँ उनकी ये बात हमेशा याद रखती हूँ, और क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल टिप है तो इसीलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी जब मार्केट से गोभी खरीदें तो ये वाली टिप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये देखिए पत्ता गोभी हमारी कट गई है और उसे मैंने एक प्लेट में ले लिया है, और साथ में ही 2 हरी मिर्च को भी इस तरीके से काट के हम ले लेंगे। तो अब एक कढ़ाई को हम गैस पर चढ़ाएँगे और उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून तेल। तेल आप इससे भी कम ले सकते हैं। और जैसे ही तेल गर्म होता है तो हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून राई, उसे अच्छे से चटकने देंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे 1/8 टीस्पून जीरा, मतलब थोड़ा सा डालना है। अब जो मिर्ची को काट के रखा था वो इसमें हम डाल देंगे, 1-2 बार चला देंगे ताकि मिर्ची का कच्चापन निकल जाए और हल्की सी फ्राई हो जाए। और फिर तुरंत इसमें हम डाल देंगे कटी हुई पत्ता गोभी, एक बार सबको अच्छे से चला देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, और ये डाल दिया हमने स्वादानुसार नमक, 1-2 पिंच जितनी हम इसमें चीनी डालेंगे, टोटली ऑप्शनल है, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और फाइनली सबको हम अच्छे से चला देंगे ताकि सब कुछ अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। आँच को एकदम कम रखना है वरना सारे मसाले जल जाएंगे। तो ये देखिए सारे मसाले गोभी के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस सिर्फ मसाले जो हैं गोभी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं उतना ही हमें पकाना है। तो बस हो गई हमारी एक मिनट वाली सब्ज़ी तैयार। गुजराती में इसे कोबीनो संभारो कहते हैं। तो इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इसमें प्याज लहसुन अदरक कुछ भी नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार लगती है और गर्मा गर्म फुलका रोटी के साथ इसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो अब से नेक्स्ट जब भी समझ में ना आए कि कौन सी सब्ज़ी बनाएं, या वही रूटीन वाली सब्ज़ी खा खा के बोर हो चुके हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो ये एक मिनट वाली सब्ज़ी अपने किचन में एक बार ज़रूर ट्राई करें। इन गारंटी के साथ कहती हूँ कि जैसे ये सब्ज़ी मेरे घर में सबको बहुत ही पसंद है, आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगी। तो आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, सबको खिलाएं, और मुझे वापस यहाँ पे आके नीचे ज़रूर लिखें कि कैसी लगी, आपकी रिव्यूज़ जान के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।